तो आज की हमारी सेशन में हम बात कर रहे हैं लूप के रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हमने आपके साथ बात की थी लास्ट कुछ क्लासेस में लूप के बारे में, जिसमें हमने फॉर लूप, डू लूप, व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप, फॉर आई लूप के बारे में हमने जाना। अब हम जो बात कर रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक जो है फॉर लूप के ही बारे में बात करेंगे, पर रिवर्स फॉर लूप के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, रिवर्स। जैसे आपने यहाँ पे रिवर्स या उसको स्टेप भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया कि फोर आई इक्वल टू 1 to 10, राइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई कर दिया, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे रेंज ए के साथ हमने आई को कंबाइन किया, डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने आई कर दिया, ठीक है। अब यहां जब इसको रन करेंगे तो 1 से 10 तक इसका कंटिन्यूस आएगा। हाँ जी, कंटिन्यूस दिख रहे हैं ना, कंटिन्यू आ रहा है। लेकिन इसी में हम इसको डिलीट करते हैं, और इस यहां जो आपका आ रहा है 1 to 10, उसके बाद हम इसमें करते हैं स्टेप माइनस 1, ठीक है। हाँ जी, अब इसको मैं यहां से करता हूं, रन करता हूं, x = 10। यहाँ पे हम r इक्वल टू r प्लस 1 कर देते हैं, और यहाँ पे हम r लेते हैं, r, और यहाँ भी r लेते हैं। सीधे बाहर आ रहा है, यहाँ पे 1 टू 10 हमने कर दिया, तो स्टेप माइनस 1 करने पे बाहर आ रहा है, सॉरी उल्टा करना है ना, मैं 10 to 1 करना है, ठीक है। अब देखिए, समझे नहीं, अभी भी सेम ही लिया है। देखिए बताता हूँ क्या हुआ है, एफर्ट किया, एफर्ट करने पे इस बार क्या है हमारा 10, आई इक्वल टू क्या हो गया 10, पर जनरली 1 होता है ना। तो ये देखिए नीचे से यहां पे डाल, अगर मैं यहाँ पे आर वाला पार्ट हटा देता हूँ और यहाँ आर के जगह पे मैं आई कर देता हूँ, आई, तो आप देखेंगे कि आपका लूप जो है उल्टा चल रहा है, दिख रहा है, समझे। तो आपने, आपको अगर माने कि एक तो होता है कि आप स्टार्ट टू एंड जाए, फिर आपको अगर एंड टू स्टार्ट आना है, तो उस केस में हम स्टेप 0 का यूज करते हैं, समझे। जैसे कि हमने आपको, आपके साथ बात की थी कि हमें स्टार वाला जो एग्जांपल करना था, याद है। हाँ, उसको इससे भी किया जा सकता है, हालांकि उसको तो इसके बगैर भी किया जा सकता है, लेकिन वे स्टार वाला एग्जांपल हम आपके साथ करके दिखाते हैं। अब इसको एक बार मैं छोटा कर देता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और इसमें हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट एज ए पिक्चर, और इसको उल्टा कर देते हैं, मुझे इस तरह से चाहिए ना सर, क्या इस तरह का चाहिए, क्योंकि इस तरह के बनाने के लिए ये जो ए, एक एक ए से, इससे पहले जो सीधा था उसको बनाने के लिए हमने क्या यूज किया था, सब्जेक्ट हमने दिया था, यहाँ पे RR/1 कर देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल के लिए। हमने यहाँ पे लिखा था कि 4 i = 1 to 5, राइट, और नेक्स्ट i, और इसके बीच में हमने और बोला, क्या बोला था, हमने बोला था कि 4 j = 1 to i, आई, और नेक्स्ट j, जी, और इसके बीच में हमने किया था सेल में हमने i, j को रखा था, समझे, डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने यहाँ पे स्टार लगाया था, तो ये आ गया था आपका सीधा, ये इस तरह का आ गया था। लेकिन मुझे इसको इस तरह से करना है कि पहले 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो इस बार हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कर दिया 5 to 1 और स्टेप माइनस 1,
अब देखिए, एक मिनट, आई टू वन स्टेप माइनस वन, तो इसमें अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका, नहीं पड़ रहा ना। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक काउंट तो दे रहा है ना, जैसे यहां पे देखिए, इसको समझिए क्या है, हमने एफर्ट किया, अब आई क्या है हमारा, पांच है, आई हमारा पांच है, फिर जे पे चला है, तो जे हमारा क्या हुआ, जे हमारा भी पांच है, तो पांच रो एंड पांच कॉलम में जाके इसने वैल्यू डाल दी, समझे। तो यहां जो आई और जे कॉलम है इसको नहीं करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहां पे आर इक्वल टू आर प्लस वन, नहीं नहीं इसमें हमें क्या करना होगा, हाँ यहां पे, तो यहां पे आई माइनस फोर और जे माइनस भी फोर करना पड़ेगा, नहीं ये भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका आई फाइव है, फोर है, तो वन हो गया, रो वन आपका फोर माइनस फोर हुआ, तो स्टेप का यूज है नीचे से ऊपर के लिए होता है, नीचे से ऊपर या आगे से पीछे की तरफ होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एक सही एग्जांपल होना चाहिए, लेकिन इसको जो हमने किया था लास्ट क्लास में, जो एग्जांपल हमने लिया था, ये इसमें हमने इसमें सिंपल सा स्टेप वाला पार्ट हम यहाँ पर नहीं किए थे, हमने किया था, मैंने जिसको किया था टिकट किया था वन से लेके सिंपल तरीके से किया हाँ फाइव और यहाँ पे से जे आई, और इसमें हमने हमें क्या करना था कि यहाँ पे हमने सेल लिया, सेल में हमने यहाँ पे आई लिखा कॉमा जे लिखा डॉट टू वैल्यू, लेकिन हमें उल्टा करना है ना हमें चीज, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो जे था हमारा जे, जे में हमने आई तो फिक्स रहा हमारा, बट जे में हमने कर दिया प्लस फाइव माइनस फाइव, प्लस फाइव होगा फाइव माइनस जे, सॉरी स्टेप नहीं होगा, स्टेप हटाना होगा, नहीं मुझे पहले यहाँ पांच बार चलाना है ना, हाँ ये तो हम कर ही चुके हैं, ये तो हम कर चुके हैं, हमें इसको पहले पांच बार चलाना है, नहीं पहले वाले से हमारा ये और ऊपर तो चल गया था, जो ऊपर और फिर नीचे जो पूरा कंबाइन पिरामिड है ना एक बार ही वो कर लेते हैं, सोचो ये तो हमने पुराने वाले से दोनों कर लिए, हाँ एक मिनट, नहीं हमें उल्टा करना था नीचे की तरफ घटते हुए, हाँ वो भी हमने कर लिया था, हाँ अच्छा कर लिया था हमने ना, हाँ जी, जो हमने पूरा ऊपर पिरामिड और पूरा नीचे कंबाइन पिरामिड था ना वो नहीं हो पाया, जो डबल पिरामिड था ना यहाँ से भी पूरा, ये तो आधा आ गया ना, दोनों पूरे और फिर दोनों ज्वाइंट, या 1 to 5 और यहाँ पे 4j = i और हमने किया यहाँ पे, बट हमें पहले पांच बार चलना था यहाँ पे, तो हमने 4i to j किया है ना, तो j में हमने यहाँ पे कर देता हूँ 4 plus i 5 टाइम चलना है ना हमें, ये आपका i होता है 1 कंफ्यूज हो गया आज, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, एक मिनट
मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ आज, कि रात भर काम किया रात में मैंने इसलिए। ओके, 6 माइनस जे, नहीं यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे जे होगा सिर्फ, यहाँ तक मुझे उम्मीद है। ओके, हाँ अब सही, तो उल्टा कर दिया हमने। ये नहीं हुआ सही, ये मुझे सही नहीं। सही नहीं हुआ। जैसे कि पहले बार में, जैसे कि हमने आई लिया तो 1 है, तो पहले बार में चलना चाहिए 5, फिर दूसरे बार में चलना चाहिए, ओके, 6 माइनस करना होगा, यहाँ माइनस करना होगा। ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तो हमने दोनों पूरे बना लिए थे, लेकिन जो दोनों को ज्वाइंट हाँ किया सही, था अब वो सही नहीं है, अब था। सही है, आ गया आ गया आ गया, ये मेरी ये मेरी गलती थी। हाँ, अब हो गया, ये तो हम ऑलरेडी कर हाँ चुके हाँ कर हैं। चुके हैं ना, तो इसी का आ गया। अब मुझे इसको यहाँ से नहीं, मुझे इसको यहाँ से करना है, तो हम यहाँ पे 5 प्लस जे कर देंगे, ठीक है। 5 प्लस जे हमने कर दिया ना, तो ये देखिए ये आ गया यहाँ से, इस तरह का हो गया। अब मुझे इसको उल्टा करना है यहाँ पे, इस ये जो हमने ये तो कर चुके हैं, यहाँ इस तरह का उल्टा करना है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि हमें इस तरह से करना है उल्टे की तरफ। हाँ, ये हमने दोनों कर लिए। हाँ, तो उल्टा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें एक और माइक्रो बनाता हूँ उल्टा के लिए, ये हो गया। अब इसकी मतलब कि इसी चीज़ को यहाँ भी इस तरह से करना है, मतलब इसी चीज़ को रिवर्स करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब प्लस कर रखे हैं इसमें हम 6 माइनस कर देते हैं जी, बाकी सब सेम रहेगा। हो गया, सॉरी एक में आपके 2 माइक्रो नहीं हो सकते ना, हो गया। तो ये जो हाँ लाइन हमने नीचे लिखा हुआ है, इसी लाइन को उसी के नीचे लिख देते हैं ऊपर वाले में, 1 माइक्रो में, 1 माइक्रो से आपका उल्टा पिरामिड बन जाएगा, बन गया, ठीक है, जी, क्लियर है, गुड आउट। इसमें तो नहीं, इसमें ये तो पहले भी रिवर्स, हो गया था। ये बचा हुआ था ना हमारा, तो उल्टा नहीं पिरामिड। नहीं 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 ये हो गया था, मैं आपको वही कह रही हूँ बार बार, ये भी हो गया था और सीधा भी हो गया था, लेकिन दोनों को ज्वाइंट नहीं हो पा रहा, हाँ, दोनों को ज्वाइंट मतलब कि दोनों को ज्वाइन करना है, 1 मिनट, तो मतलब नहीं, सेम, एक बार ऐसे एक बार ऊपर और फिर समझ गया दोनों को समझ गया ज्वाइंट। समझ हाँ गया। जी, वो नहीं हो पाया था। तो अभी ये चीज़ करने के बाद ही होगा दोनों, हो गया, पेस्ट से लिंक हो गया, पेस्ट टीचर। तो आप बोल रहे हैं कि मुझे इसको इस तरह से जो ज्वाइन करने वाला था वो करना, राइट, हाँ जी, ओके। तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये जो माइक्रो आपका बना बना ना, हाँ तो इसमें रो में आपने यहां पे कर दीजिए 5 प्लस आई, समझे। ओके, तो क्या होगा जब नीचे का, तो इसको ड्रैग करेंगे फिर, तो यहां यहां करना है ना, दोनों में प्लस 5 एंड प्लस 5। अब इसको रन कीजिए, यहां आ गया आपका, आ गया सर। हाँ जी, अब सीधा सीधा पिरामिड वाला चला दीजिए जो यहाँ ऊपर चल जाएगा, नहीं, कौन से वाले में ज्वाइंट होगा दोनों, जो दोनों नहीं फिर आपको, एक नहीं आपको बनाना पड़ेगा। अब आप मुझे क्या बनाना है कि सीधा पिरामिड, ये तो हो गई, अब आपको सीधा पिरामिड वाला कोट बनाना है, जो ये इस जो ये है ना, इसको बनाना है आपको, ठीक है। पहले तो चलिए इसके लिए माइक्रो लिखते हैं, फिर दोनों को कंबाइन किया जाएगा। यहाँ पे 4 I इक्वल टू, चले अभी यहाँ पे, सॉरी क्या हो गया मुझे आज, फोर I इक्वल टू, चले 1 2 5 4 4 J इक्वल टू, चले 1 2 I। नेक्स्ट I और यहाँ ऊपर में नेक्स्ट J,
नेक्स्ट जे। अब यहाँ जो हम सेल देंगे कि सेल्स आई कॉमा जे डॉट वैल्यू इक्वल टू स्टार, और इसमें हमने क्या कर दिया, एक ये हो गया, इसको एक बार रन करते हैं तो इस तरह से आता है, बट मुझे यहाँ से करना है 6 से करना है, तो यहाँ पे हम 5 प्लस कर देते हैं ताकि ये हमारा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब इसी लाइन को हम यहाँ कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करते हैं, कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ जो हमने 5 किया है क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे, राइट सर, राइट मैम, तो ये आपका पिरामिड आ जाएगा, आ गया। अब ये दोनों माइक्रो को एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इस माइक्रो को हम इसमें, इस कोड को जो है, ये दोनों लाइन को इसमें नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि ये 6-1 चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो हम इसके नीचे जो है इस कोड को डाल देंगे, समझे। दो माइक्रो, हालांकि दो अलग अलग माइक्रो बना के दो बार रन कर लीजिए, या फिर एक माइक्रो, दोनों माइक्रो के कोड को इकट्ठा एक माइक्रो में डाल दीजिए, सिंपल, देखिए, राइट, समझे। तो ये आपका पिरामिड वाला एग्जांपल था। अब जो हम आगे स्टेप वाले बात कर रहे थे, इसको आते वापस, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें 100-50 लेना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 100-50 चेक करना पड़ता है। अच्छा। तो उस केस में हम यूज करते हैं रिवर्स माइक्रो का, राइट। जैसे हम यहां पे कुछ नाम लिखते हैं आपके सामने, हम बता रहे हैं इसका एग्जांपल क्या होता है, नाम कई बार रिपीटेड है और इसके सामने हमारा वैल्यू, और मुझे यहां पे क्या करना है कि यहां पे मुझे पूजा का लास्ट वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, पूजा का लास्ट वैल्यू, लास्ट। तो इसके लिए क्या मैक्रो बनाएंगे, मैं फर्स्ट और लास्ट दोनों चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट, चलिए हम दोनों का मैक्रो तैयार करते हैं आपके सामने। तो सब्जेक्ट आ रहा लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल 5 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम लूप चलाएंगे कि 4 i इक्वल टू चले 1 से 1 to, मान लीजिए जो आपका रिवर्स है ये आपका 160 है, बाद आप तो ऑटोमेट कर ही सकते हैं ना, 160 नेक्स्ट i। अब यहाँ पे कंडीशन देना है कि इफ रेंज ए के साथ i डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पूजा, ठीक है, देन क्या करना है, रेंज f 2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ये जो हमने ये लगाया हुआ है ना i वाला पार्ट, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये ऑफसेट करके अगला ले लेंगे हम यहाँ पे, डॉट ऑफसेट यहाँ पे 0.1 अगली कॉलम डॉट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे एंड इफ। अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे हजारों वैल्यू है, लाखों भी हो सकता है, तो अगर मैं इस फिलहाल मैं इसको रन करता हूं तो क्या होगा, अभी मेरे सबसे लास्ट वाली वैल्यू दिखा रही है 21 दिख रहा है, दिख रहा है ये 21 आपका दिख रहा है, तो ये कैसे हुआ, वो क्या कर रहा है कि इसके ऊपर हर एक वैल्यू डाल रहा है, इसी को ओवरराइट कर रहा है, क्या कर रहा है, ओवरराइट। जैसे यहां एग्जांपल देखेंगे, मैं इसको डिलीट करता हूं कि इसने एफर्ट करके रन करता हूं, इसने चेक किया, स्पेलिंग कर लो, अच्छा स्पेलिंग, हाँ सॉरी, हाँ मैं गलती हो गई, माफ कीजिए, इसलिए पहला नहीं शो किया था, हाँ एफर्ट किया, इसमें क्या ये होता है, केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखिएगा इसका, आगे 19, तो इसने पहला 19 ढूंढ दिया,
फिर ये रन हुआ रन हुआ रन हुआ रन हुआ रन हुआ, थ्री ये आपका किस पे पूजा आ गया ना, 13 पे। थर्टीन चला, चेक किया, पूजा डाल दिया, 65 कर दिया ना। अब यहां भी क्या होता कि अगर आपका कुछ कोड इस तरह से होता कि पूजा मिलते ही फलाना काम कर दे, पूजा की डेटा मिलते ही फलाना काम कर दे, तो क्या होगा कि जितना बार पूजा उतना बार वो स्टेप को फॉलो करेगा। मान लीजिए कि पूजा मिलते ही पूजा की फाइल ओपन कर दे, राइट, जिसको 20 बार पूजा मिलेगा तो 20 बार फाइल को रन कर देगा, ओपन कर देगा। तो यहां पे मुझे ये करना था कि जैसे ही पूजा इसको मिल गया है वो आगे चेक ही ना करे, समझे, जैसे इसको पूजा मिले वो आगे चेक ही ना करे, जैसे इसको पहले ही पूजा B1 पे मिल गया और नीचे चेक ही नहीं करे। तो उसके लिए यहां पे क्या करना होगा, एग्जिट सब। तो क्या करेगा, जैसे ही यहां पे उसको पूजा मिला वो पूजा की वैल्यू डालेगा और यहां पे उसको एग्जिट कर देगा। क्लियर है? लेकिन मुझे इसी चीज को अगर लास्ट में, लास्ट वैल्यू में करना हो तब क्या होगा, लास्ट से नीचे में सबसे लास्ट वाला चाहिए, तो वो भी तो वही करेगा, हर एक को चेक करेगा। मैं चाहता हूं मुझे पहला मिल जाए मैं आगे बढ़ूंगा, तो यहां पे क्या करना है आपको, 160 से 1, समझ गया। और यहां F2 के जगह पे G2 कर देता हूं, G2 रन कीजिए, एक नाम के दो माइक्रो फिर दोबारा लिख दिया हमने, हाँ G2.value AI.value। G2.value इक्वल टू रेंज ए के साथ आई ऑफसेट 1.0.value, तो ए चल रहा है आपका रिवर्ट, हाँ सॉरी यहाँ स्टेप इन्फो नहीं किया ना हमने, स्टेप -1 अब आएगा, आ गया 21। तो यहां पे अगर स्टेप 1 ना करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, उसे लास्ट प्लेयर ढूंढने में मुझे मुझे एक अलग सिस्टम देना पड़ेगा जो लास्ट में ढूंढ के निकाले देन उस पे वर्क करे। बट यहाँ पे स्टेप इन्फो में क्या फायदा दे रहा है कि हम इसको रिवर्स में, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ हम चला रहे हैं। हाँ जी, बट हमें दोनों एक साथ दोनों वैल्यूज चाहिए, फर्स्ट भी एंड लास्ट भी। तो दोनों वैल्यू चाहिए तो फिर आपको दो में वीवी चलाना पड़ेगा, ये दो चलाना पड़ेगा, दो माइक्रो एक ही, ओके एक ही में दोनों नहीं कर, नहीं नहीं दो अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। या फिर उसका भी अलग तरीका है, हो सकता है, सोचेंगे, फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इसमें हम ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले मैक्रो में आते हैं जहां पे हमने एक वैल्यू डाली थी उस पे, यहाँ पे। तो जैसे कि हमने बताया था कि स्टेप ए जो है अगर हमने आई कर दिया तो 10 से 9 के ऊपर चलता है ना, स्टेप -1। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेप ओनली फॉर 1 नॉट ए -1 स्टेप 1, तब क्या होगा, तब यहाँ पे नहीं चल रहा है कुछ। तो यहाँ पे अगर हम 1 to 10 करते हैं तब चलेगा, देखते हैं दोबारा है। अब यहाँ पे स्टेप 2 कर दूंगा तब क्या होगा, स्टेप 2 इवन नंबर्स पकड़े, देखते हैं क्या करता है, समझे, मतलब एक एक नंबर, हाँ एक एक। स्टेप 3 हमने कर दिया तब क्या होगा, समझ गए। ऐसे अगर माइनस में होगा 10 to 1 होगा, इसको हम स्टेप 2 -2 कर देते हैं तब क्या होगा, सेम चीज करेगा बट नीचे से करेगा ऊपर की तरफ, नीचे से, समझ गए, क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं। तो हमने आज जो है अपना लूप का सेक्शन खत्म कर दिया, आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें क्योंकि लूप आगे आने वाले हर एक एग्जांपल में होगा। मुझे लगता है कि आज के बाद कोई भी मैं माइक्रो बनाऊंगा आपके साथ उसमें लूप का प्रयोग, लूप और इफ का प्रयोग ना करो, शायद ही कुछ ऐसी माइक्रो हो। So, इस पे प्रैक्टिस करके अच्छे से कर लीजिए, फिर कल की क्लास में हम आपके साथ बात करें।